عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. तमाम किस्म की हमदो सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी उस वहदहु ला शरीक के लिए जिसने हम सबों को पैदा फरमाया और उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारक मुक़दसा और मुतहरा पर जिनका नाम नामी इस्म ग्रामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस मीटिंग में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। अल्लाह तबारक व ताला से ये दुआ करते हुए कि इलाहल आलमीन आज की इस मजलिस में जो बातें किताब व सुन्नत की रोशनी में पेश की जाएं, हमें सही सही आपके सामने पेश करने की, आप तमाम हजरात व ख्वातीन को सुनने की और हम सब को कहने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का मौजू रमज़ान के इख्तिताम पर हमें क्या करना है, ये माह मुबारक जिसका हम बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये माह कैसे गुज़रेगा, कैसे हम रोज़े रखेंगे, लॉकडाउन भी है, बहुत सारे सवालात हमारे जहन में आ रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये हमसे जुदाई लेने ही वाला है, अनकरीब हमसे और आपसे जुदा होने वाला है। सवाल ये यहाँ पर ये है कि हमें ऐसे वक्त पर क्या करना चाहिए कि जो रहमतों का महीना था जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाता था, जिसका हम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, जिसका इस्तकबाल हमने बहुत ही पुरजोश अंदाज में किया, हमने इबादतें हर तरह से करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज वो महीना कुछ ही दिनों में हमसे और आपसे जुदा होने वाला है। मोहतरम हजरात व ख्वातीन, अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सबसे पहले हमें और आपको अल्लाह तबारक व ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको ये माह मुबारक नसीब फरमाया। हम में से कितने ऐसे लोग साले गुज़श्ता में बाहयात थे जिन्होंने रमज़ान के रोज़े भी रखे थे, क़यामुल लैल भी किया था, सदक़ो खैरात भी किए थे, सिला रहमी भी की थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मौका इनायत फरमाया और साथ ही साथ जहाँ पर हमें रमज़ान मुबारक का महीना नसीब फरमाया वहीं पर हमें और आपको सेहत और तंदुरुस्ती भी अता फरमाई। अगर ये महीना हमें मिल भी जाता लेकिन सेहत और तंदुरुस्ती नहीं होती तो हम इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते थे, या हम कमा हक हो इबादत नहीं कर सकते थे, या जिस तरह से हम चाह रहे थे रमज़ान के रोज़े को नहीं रख सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान, उसका करम कि उसने हमें माह मुबारक भी इनायत फरमाया और सेहत और तंदुरुस्ती भी अता की और हमने इस माह में जितना हो सका जिससे रमज़ान के रोज़े रखने की, क़यामुल लैल करने की, नफली नमाज़ें अदा करने की, सदको खैरात करने की, सिला रहमी करने की हर शख्स ने यह कोशिश की है। अब हमारा काम यह है कि हम अल्लाह ताला से ये दुआ करें इलाहल आलमीन इसे कबूल फरमाए। मैं आपको ये बतला रहा था कि रमज़ान के अख्तिताम पर हमें क्या करना है, चंद बातें गोशे गुजार करना चाहूँगा आज। सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व ताला का इस बात पर शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें ये महीना नसीब फरमाया और सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत से हमें मालामाल किया।
क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो हम दोबारा उस चीज़ को और उससे ज़्यादा अता करेंगे। यानी अगर हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान मुबारक का महीना अता किया, तो आने वाला महीना, आने वाला साल, उसके रमज़ान के महीने, उसके बाद के महीने अल्लाह तबारक व ताला हमें अता करेगा। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, आप ये भी बात भी जानते हैं कि हम अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को वो नेमतें भी अता करता है जिसे उसका बंदा उससे तलब करता है। यानी अल्लाह का बंदा जिन नेमतों को अपने रब से तलब करता है वो नेमतें भी अता करता है, और वो नेमतें भी अता करता है जिसको वो तलब नहीं करता है, जिसको वो नहीं मांगता है, जिसका ज़हनो दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ऐसी नेमतें भी अता कर देता है। कभी कभार आप देखते होंगे कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये काम हो गया, इसमें हमें फ़ायदा हो गया, अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें इस नेमत से नवाज दिया। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती हैं, और इसी को सूरह इब्राहिम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वो आता मिनकुल्ली मा सअलतुमु, और जो कुछ तुमने मांगा सब मैंने तुमको अता किया। अल्लाह ताला कह रहा है कि जो कुछ तुम मांगते हो मैंने तुमको अता कर दिया है। तुम बहुत सारी चीज़ों को नहीं भी जान पाते हो, तुम्हारा ज़हनो दिमाग नहीं पहुंचता है, वो चीज़ें भी अल्लाह तबारक व ताला हमारे और आपके लिए अता कर दे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम ही में यह इरशाद फरमाता है, वइन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद कितने ऐसे लोग पाए जाते हैं कि नाशुक्री पर अड़े रहते हैं, नाशुक्री पे नाशुक्री करते जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया, हम परेशान हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम हमारी नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो। छोड़ दीजिए दुनिया की जीनत, जेबो जीनत को, हम अपने बॉडी में देख लें, अपनी बॉडी में हम नजर दौड़ाएं, कितने जोड़ हैं, कितने जोड़ हैं, क्या क्या नेमतें अल्लाह ताला ने हमारी इस बॉडी में अता की हैं। अगर सिर्फ आंख की बसारत को ले ले, अगर सिर्फ कान की समाहत को छीन ले, अगर सिर्फ जुबान के चलने की हरकत को छीन ले, अगर सिर्फ दिल की हरकत को छीन ले, मेरे भाई और दोस्तों, तब हमें आपको यह एहसास होगा कि अल्लाह ताला की नेमत का कितना बड़ा मकाम और मर्तबा। आप पूछिए उन लोगों से जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आंख नहीं दी है, आप पूछिए उन लोगों से जो सुन नहीं सकते हैं, आप पूछिए उन लोगों से जो अपने पैरों पर चल नहीं सकते हैं, आप पूछिए उन लोगों से जो अपने हाथों से लिख नहीं सकते हैं, अपने हाथों से अपना कोई काम नहीं कर सकते, तब हमें और आपको ये अंदाजा लगेगा कि अल्लाह ताला की नेमतें, उन्हीं सारी नेमतों में से एक अजीम नेमत यह भी है कि अल्लाह हमें माहे मुबारक का महीना नसीब फरमाया, जिसमें हमने अपने गुनाहों से अपने आप को पाक करने की पूरी कोशिश की। अगर ये नहीं अता करता तो हम इन्हीं गुनाहों के साथ अल्लाह ताला से मुलाकात करते, हमारा ठिकाना फिर कहाँ होता, ये रब जानता है, हम और आप नहीं जानते। लेकिन कम से कम इतना हम ये जानते हैं कि गुनाहों के बोझ के साथ हम अल्लाह ताला से मिला, हमने अल्लाह तबारक व ताला ने जब महीना दिया हमने अपने गुनाहों से अपने आप को पाक करने की, ये अल्लाह ताला का एहसान है, लिहाजा उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग लापरवाही बरतते हैं, ख्याल नहीं करते हैं, गफलत बरतते हैं, सुस्ती बरतते हैं। दो नेमतें, कौन सी वो दो नेमतें हैं, कौन सी दो नेमतें हैं जिससे लोग गाफिल हैं, जिससे लोग लापरवाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दो नेमतें क्या हैं, वो दो नेमतें सेहत और तंदुरुस्ती और फरागत। ये सेहत और तंदुरुस्ती, अगर आपकी सेहत और तंदुरुस्ती नहीं होती, आज आप एक हफ्ते के बाद मुझसे मुलाकात कर रहे हैं, हमारी मुलाकात हो रही, सेहत और तंदुरुस्ती नहीं होती, आप ऑनलाइन नहीं हो सकते थे। अगर आप फारिगुल बाल नहीं होते, किसी चीज में मशगूल होते, किसी दुनिया की जेबो जीनत में अल्लाह ताला मशगूल कर देता, ये कुरान की बातें बैठ करके आप नहीं सुनते होते। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं जिससे लोग लापरवाही बरतते हैं, नंबर एक
सेहत और तंदुरुस्ती जिसका ये तो समझते हैं, अरे मैं तो खाता हूं पीता हूं एसी में रहता हूं जिसकी वजह से मैं हट्टा कट्टा बना। ये हमारे खाने पीने से हम हट्टे हमारे जैसे हट्टे कट्टे चलते चलते गिरते हैं, सिकंडों में दम टूट यानी रूह निकल जाती है उनकी। ये हमारा और आपका, हमारे खाने का, हमारी एसी का, हमारी बिल्डिंग का, हमारी सॉरी, इसका कमाल नहीं। ये कमाल किसका है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। लिहाजा हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। लिहाजा सबसे पहली चीज ये कि हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करें कि राह आलमीन ने हमें ये माह मुबारक नसीब फरमाया और हमने इबादतें की, और हम ये दुआ करें कि राह आलमीन इसको कबूल फरमाए। नंबर दो, फितराना अदा करना। आज जानते हैं सऊदीया में आज 28 रोजा पूरा हो चुका है, पाकिस्तान हिंदुस्तान नेपाल वगैरह में आज 27वीं रात है, कल 28वीं रोजा 28वां रोजा वहां पर भी होगा। यहां ये समझ लीजिए आप, ये आप समझ लीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता सब करीब जा रहे हैं, फितराने का वक्त आ रहा है। 27 के बाद आप फितराना अदा कर सकते हैं। काफी मैं वीडियो भेज चुका हूं, ऑडियो भेज चुका हूं, काफी मैसेज में कर चुका हूं कि ये फितराना रमजान के रोजे के तकमील के बाद हर शख्स के ऊपर फितराना क्या है, वाजिब है, ये फर्ज चीज है, बिल्कुल निकालना जरूरी होता। फितराना कब निकालना है? 27 रमजान के बाद, यानी 28वां रमजान शुरू हो, वैसे अफजल वक्त, हकीकत यह है कि अफजल वक्त ईद का चांद देखने के बाद और ईद की नमाज पढ़ने से पहले ही अफजल वक्त है। लेकिन अगर एक दो दिन पहले हम दे देते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। एक सा गल्ला नकद निकालना सही नहीं है, पहले भी बतलाया गया है। एक सा गल्ला जो 4 मुद का होता है और 4 मुद वजन में 2.25 किलो से लेकर के 2.5 किलोग्राम तक होता है, लिहाजा 2.5 किलो मान करके हमें एक आदमी की तरफ से पूरे परिवार की तरफ से 2.5 किलो की हिसाब से गल्ला जो आम तौर पर आपके यहां इस्तेमाल होता हो उसको निकालना है और ईद की नमाज से पहले निकाल लेना है। यहां पर एक शोशा जो सवालात कुछ आए मुझे, उससे ये पता चला मुझे कि कुछ लोग ये समझते हैं कि सदके फितर हम निकाल कर रख लें, कभी जब मौका मिलेगा तब हम दे देंगे। याद रखिएगा ये मकसद नहीं है। अगर ये मकसद हो तो गुरबा मसाकीन तक पहुंचेगा कब? लिहाजा हमें याद रखना चाहिए कि ये हमें ईद की नमाज पढ़ने से पहले गुरबा मसाकीन के हाथ में दे देना है, निकाल के साइड में कर लेना नहीं, नियत कर लेना नहीं, ये आपके नियत पर इसका वो नहीं दारोमदार, ये है कि आप इसको गुरबा मसाकीन तक पहुंचा दीजिए, तब उनके घरों में खुशी आएंगी, जिस तरह से इसकी हिकमत हमने पहले आप हजरात को बतलाया है। इसी तरह से ईद की चांद की तस्दीक हो जाए, ईद की चांद की तस्दीक हो जाए तो तकबीरात का एहतमाम करना, तकबीरात का एहतमाम करना। हमें तकबीर का जैसे चांद हम देखें उसके बाद से लेकर के नमाज ईद तक हम तकबीरात का एहतमाम करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरात और इस तरह से दूसरी तकबीर सहते भी हैं। हमें तकबीर को ज्यादा से ज्यादा पुकारना चाहिए ईद का चांद देखने के बाद से लेकर के ईद की नमाज तक, इसका हमें एहतमाम करना चाहिए। इसी तरह से ईद की नमाज, अब ईद की नमाज जाहिर सी बात है इस साल चूंकि लॉकडाउन चल रहा है हमें घरों में पढ़ना है। वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और जन यानी मर्द और औरत सबको ईदगाह जाने का हुक्म दिया है। ये नहीं कि सिर्फ मर्द ईदगाह जाएंगे बल्कि औरतें भी ईदगाह जाएंगी। लिहाजा इस साल अगर हम अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारे घर में मर्द भी पढ़ेंगे औरतें भी पढ़ेंगी। और ये तरीका भी आपको बतलाया जा चुका है कि घर में ईद की नमाज पढ़ने का क्या तरीका होगा। यहां पर दोनों को जमात के साथ नमाज पढ़नी है और ईद की नमाज अपने घर में अदा करनी है। कुछ लोगों ने यह कहा कि ईद की नमाज नहीं, वहां इशराक की नमाज हमें अदा करनी है। याद रखिएगा बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमें ईद की नमाज पढ़नी है, जहरी तौर पर पढ़नी है जिस तरह से आम नमाज अदा की जाती है। बस इसमें तकबीरात जवायद जो हैं उसका एहतमाम करना है और जहरी नमाज यानी मगरिब ऐशा फजर की नमाज जिस तरह से बुलंद आवाज, जहरी यानी बुलंद आवाज से अदा की जाती है, इस तरह से हमें ये नमाज अदा करनी है। इसी तरह से हम इसका भी ख्याल रखें कि शव्वाल के रोजे,
शवाल के जो 6 रोजे होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल के रोजे में इरशाद के बारे में इरशाद फरमाया, जिस तरह से अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमदाना ثم اتباه سته من شوال كان كصيام الدهر. مسلم مسلم کی روایت ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا لہٰذا ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں شوال یاد رہے کہ شوال کے روزے یہ فرض نہیں ہیں، یہ مستحب، یہ نفلی روزے ہیں، لیکن اس کا بہت بڑا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کے ثواب کے لیے فرمایا ہے، یعنی یہ کہ جیسے ایک اجر 10 گنا تک بڑھتا ہے تو ایک مہینہ 10 مہینے کے برابر رمضان کا روزہ ہو گیا، اور جو 6 روزے آپ رہیں گے وہ 2 مہینے کا ہو جائے گا 10 گنا کے حساب سے، اس طرح سے پورے سال کا ثواب. لیکن یہاں پر ایک نقطہ یہ یاد رہے کہ وہ لوگ جن کا فرض روزہ چھوٹا ہوا ہے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مردوں کے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، یا عورتوں کے سفر یا بیماری یا جو ایام خاص ان کے ہیں ان کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹا ہوا ہے، تو جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ فرض روزے کو مکمل کرے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم اتباعہ سته من شوال، یعنی رمضان کے پورے روزے مکمل کرے، اس کے بعد 6 روزے رکھے، تو اس کو یہ ثواب، یعنی یہ طریقہ ہوگا. کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شوال کا مہینہ، چونکہ شوال ہی میں روزہ رکھنا ہے، یہ مہینہ چلا جائے گا، ہم اس میں شوال کے روزے رکھ لیتے ہیں، قضا بعد میں ہم پورا کرتے رہیں گے، لہٰذا یہ غلطی ہم نہیں کریں گے. ہاں، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی یاد رہے، اگر کوئی شخص شوال کا روزہ رکھ رہا ہے اور یوم الاثنین پیر کا دن پڑ رہا ہے یا جمعرات کا دن پڑ رہا ہے، اور وہ دونوں کی نیت کر لیتا ہے، تو انما الاعمال بالنیات، انشاءاللہ تعالی اس کو سوموار کے دن کا بھی ثواب مل جائے گا اور اس کو شوال کے روزے کا بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی، جس طرح سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنے اس میں فتویٰ میں ارشاد فرماتے ہیں. اسی طرح سے محترم حضرات و خواتین، ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور شیخ صاحب آ بھی چکے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات اور یاد رکھیں کہ اعمال صالحہ پر مداومت. یاد رکھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو دائمی ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ہم نے بہت سارے کام یہاں پر کیے ہیں رمضان کے مہینے میں، قرآن کی تلاوت ہم نے کی ہے، تہجد کی نماز ہم نے پڑھی ہے، قیام اللیل ہم نے کیا ہے، روزے ہم نے رکھے. رمضان کے جانے سے یہ سب ختم نہیں ہو جاتا ہے، اس کو ہمیں جاری رکھنا ہے. رمضان کے روزے جا رہے ہیں، لیکن یوم الخمیس، یوم الاثنین یعنی جمعرات اور پیر کے روزے ہمیشہ رہتے ہیں، ہمیں وہاں یہ کام کرنا چاہیے. اسی طرح سے نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے آخری چیز اختصار کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جس طرح سے ہم نے رمضان میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا ہے، رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنے رشتے کو کم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور مضبوط بنانے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم نافرمانی کو چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگ جائیں. یہی ایک طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم سبوں کو رمضان مبارک کے باقی روزوں کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جو عبادتیں ہم نے کی ہیں ان کو الہ العالمین قبول کرے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی، اپنے گناہوں کو بخشانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.